तो स्टार्ट हो गया, चलो स्टार्ट हो गया, लाइट्स कैमरा एक्शन। ओके तो चंदन सर, आपके सेशन में बच्चे आते होंगे। सर पहला चीज तो बच्चे ही नहीं आते। कभी कभार एक दो बच्चे आए, पांच बच्चे आए, 50 बच्चे आए जी। अदर देन टेक्निकल डाउट्स, उनके मोस्ट कॉमन डाउट्स क्या रहते हैं आपसे? सर जो बच्चे सबसे पहली बार प्रिपेयर करते हैं ना, जो आते हैं प्रिपरेशन के लिए, वो सबसे पहला ही उनका डाउट होता है कि कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करूं। क्योंकि सर बहुत सारे टेक्निकल फील्ड में भी बहुत सारे एग्जाम है, गेट है, ESE है, JEE है, AE है, राइट। बहुत सारे बच्चे कॉलेज के लेवल पर सोचते हैं कि मुझे सेमेस्टर के बाद के लिए जो प्राइवेट कंपनी है उसके लिए प्रिपेयर करूं, क्या प्रिपेयर करूं, इसी में कंफ्यूज रहते हैं। ओके जोशी सर, आपसे? सर मेरे पास तो सवाल आता है जो क्वेश्चंस पे कमांड वाली बात आती है। कुछ लोगों को लगता है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर देने से ही हमारे लिए काफी होगा कि हम कोई भी नया सवाल होगा उसको बना पाएंगे, या कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट मैं भूल गया, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ दूसरा सर ये डाउट पूछते हैं कि एक कॉलेज की भी पढ़ाई करनी है, उसके साथ प्रिपरेशन भी करना है, और प्रिपरेशन में ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ लिया और वो आजीवन याद रहेगा, उसको रिवाइज भी करना है, फिर ये भी देखना है टेस्ट देके कि रिटेन कितना हो रहा है, तो टेस्ट देने में लगेगा 3 घंटा। तो ये टाइम मैनेजमेंट का जो इशू है ना, वो बहुत ज्यादा फेस करते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल। ओके सर, तो मेरे सेशन में जो बच्चे आते उनमें से मैक्सिमम बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर क्या अभी से भी प्रिपरेशन करें जुलाई से या लास्ट जुलाई से, तो क्या उनका एग्जाम में हो जाएगा? और दूसरे बच्चे जो ऑलरेडी थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं जून में मई में, कि सर एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ें कि दो सब्जेक्ट पढ़ें? तो ये दो कॉमन मोस्ट डाउट मैंने देखे कि एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना है कि दो पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और हम आज तैयारी करा स्टार्ट करेंगे जुलाई से तो क्या हो जाएगा? तो इन सब का सर क्या लगता है आपको कि सर, एक चीज और है जो खतरनाक बच्चे पूछते हैं, एक और डाउट है वो इस साल के अभी बच्चे नहीं पूछ रहे हैं, पिछले साल वालों ने पूछा था, इस साल वाले जो है वो दिसंबर अक्टूबर में जाके पूछेंगे। क्या चीज? कि सर जब सेमेस्टर का एग्जाम आ गया है तो अब क्या करें सर, क्योंकि उस टाइम पढ़ू कि एग्जाम की प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि उस टाइम एग्जाम बहुत हैम्पर होता है, तो बच्चे एकदम से पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि 10-12 दिन 15 दिन उनका खराब हो जाता है, तो बहुत पैनिक हो जाते हैं। और ये सर अच्छे अच्छे लोगों को, मैंने बच्चों को जिनका अच्छा रिजल्ट आ सकता था, वो इस पैनिक होने की वजह से इतना ज्यादा गैप आ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि पैनिक, मतलब ये अभी नहीं पूछ रहे हो पर ये अक्टूबर में आप ही पूछोगे। ये तो सुन तो दोस्तों, अब हमारा जो चैनल है बायजूस एग्जाम प्रेप गेट एंड ESE हिंदी, ऑफ कोर्स हम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, इनका सलूशन भी बताते हैं एक एक करके। टोटल मोर और लेस 5-6 क्वेश्चन हो चुके हैं जो आप में से बहुत सारे बच्चों के डाउट होंगे भी। सलूशन अब आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो होना चाहिए कि सर कौन से एग्जाम की तैयारी करें, तो इसका क्वेश्चन किसके पास, किसको? आपके बच्चों से आप ही सलूशन बताइए सर इसका। देखिए चाहते हैं सलूशंस के ऊपर, क्वेश्चंस तो सुन लिया आपने हम तीनों के, जो हमसे बच्चों ने पूछे हैं सेशन में पिछले 1-2 महीने में, आते हैं कि करके उनके सलूशंस पर। बिल्कुल सर। देखिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सबसे पहले आपको उस एग्जाम की डिमांड को समझना पड़ेगा, और ये अपनी पर्सनल चॉइस भी होती है। पर अगर नॉर्मली अगर आप देखा जाए, तो अगर कोई बड़े लेवल के एग्जाम को अगर सोचता है, तो क्योंकि समहाउ 90-95% जो सिलेबस होता है वो टेक्निकल ऑलमोस्ट हमें सेम ही होता है, तो कोई भी एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करते हो तो लगभग सिलेबस कवर हो जाता है। बट फिर भी अगर आप बड़े एग्जाम को टारगेट लेते हो तो छोटे एग्जाम आसानी से निकल जाते हैं, और यही रीजन रहता है कि कोई अगर ESE की प्रिपरेशन करता है तो वो JEE AE वाले एग्जाम को वैसे ही निकाल देता है। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सर, आपने सही कहा। अब जो मेरे से 2 सवाल पूछे गए हैं मैक्सिमम बच्चों द्वारा, पहला सवाल कि कब प्रिपेयर करना चाहिए? दोस्तों जितना जल्दी प्रिपेयर करेंगे भाई उतना ही अच्छा फायदा है। आपको कोई रेस चलनी है 100 मीटर की, और यहाँ पर हर वो रेस अलग अलग समय पे बंदा चल रहा है, जैसे आप ओलंपिक में तो हर एक ही गोली चलती है, सब एक साथ भागते हैं, यहाँ पे अलग अलग समय पे भागते हैं, ठीक है। आपको वो फिनिश लाइन तक पहुंचना है, तो यदि कोई थोड़ा लेट भी स्टार्ट करे, मैं आइडियल टाइम मानता हूँ कि 7-8 महीने आइडियल टाइम है, यदि कोई लेट भी स्टार्ट करे, और कुछ लोग उससे पहले स्टार्ट कर चुके हैं, अगर वो थोड़ी सी अपनी पेस बढ़ा के चले, 10% एक्स्ट्रा एफर्ट डाले हर दिन, तो वो 6 महीने बाद भी वो 8 महीने की जर्नी पूरी कर सकते हैं आराम से। दूसरा क्वेश्चन था कि एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट, दोस्तों टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं रिकमेंड करूंगा यदि आप बोर नहीं होते हैं तो गो विद वन सब्जेक्ट, यदि आप बोर होते हैं तो 2 सब्जेक्ट के साथ जा सकते हैं, लेकिन 2 सब्जेक्ट फिर दोनों बड़े बड़े सब्जेक्ट होने चाहिए कि भैया मशीन भी उठा लिया और कम्युनिकेशन भी उठा लिया, फिर एक बड़ा सब्जेक्ट और एक छोटा सा कोई सब्जेक्ट उठा लिया, इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है। अगर एक ही सब्जेक्ट को आप पढ़ते रहेंगे तो हो सकता है बोर हो जाए, इसलिए जो सर ने कहा आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। और मुझसे जो ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है जो कि था कि क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेने से हमारी अप्रोच बेहतर हो सकती है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से आप एग्जाम की नेचर को समझ सकते हैं, पर नए सवाल बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो उसके लिए आपको एडिशनली नए सवाल लगाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको वर्कबुक दी जा रही है, उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो टेस्ट सीरीज में आपको बहुत सारे नए नए सवाल मिलेंगे, वहां से भी आपको दिक्कत नहीं होगी जब आप उन सवालों को कर लेंगे। और टेस्ट सीरीज का एक और है सर फायदा,
बहुत सारे मार्केट में क्योंकि गेट का एग्जाम पहली बार तो हो नहीं रहा है राइट सर, तो टेस्ट सीरीज प्रीवियसली बहुत बार हो चुका है। हाँ। वो टेस्ट सीरीज भी पीडीएफ के फॉर्म में फ्लोट करता रहता है, फ्लोट करता रहता है, तो आप वहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन बस वन क्लिक अवे है। ये फायदा है ऑनलाइन एजुकेशन का, वन क्लिक अवे है, कंटेंट आप ढूंढो आपको मिलेगा। और दूसरा सवाल जो था कि कॉलेज के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे टाइम मैनेजमेंट में इशू आ रहा है, तो मैं सर आप लोगों से पूछता हूँ, जब आप लोग ग्रेजुएशन में थे तो आप लोग रोज पढ़ते थे क्या, मतलब एग्जाम के लिए, सेमेस्टर के लिए? सर रोज तो वन नाइट ही पढ़ते थे सर, नॉर्मल। मैं तो वन नाइट सर, मैं भी इंजीनियर ही हूँ सर। हाँ अच्छा ठीक है, तो मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है हम लोग की एजेस में, बट हाँ एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। फिर भी वहां से लेकर के यहाँ तक वन नाइट में ही पढ़ने वाले इंजीनियर्स हुए हैं, मुझे लगता है आप भी वन नाइट में ही पढ़ करके अपने एग्जाम में अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में आपको किसी से आगे नहीं निकलना है, आपको एक पर्टिकुलर स्कोर है उससे ऊपर जाना है। तो वो आप लोग क्या करो कि जब सेमेस्टर एग्जाम आने वाला होगा तब आप बिल्कुल गेट की तैयारी को थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो साल का पूरा टाइम मिलेगा आपको उसमें आप फोकस करेंगे अपने गेट के एग्जाम पर ही। जब भी टाइम मिलेगा तब इवन आप खुद भी एक बार शांति से बैठ करके एक बार लिखिएगा जरूर कि आपने कल क्या क्या किया है, आपको खुद समझ आएगा कि आपके पास वक्त है या नहीं। बिल्कुल। और जो सर सबसे लास्ट जो आपको बाद में एहसास होगा, यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होगा, बिल्कुल मैं भूल गया था, यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम के ड्यूरेशन में जो आपको प्रिपरेशन करनी है, तो देखो ये सबके साथ होता है राइट। अगर कोई फाइनल ईयर के साथ निकालता है तो वो भी एग्जाम यूनिवर्सिटी का लिखेगा ही, और उसका भी एग्जाम जो प्रिपरेशन है वो हैम्पर करेगा उस ड्यूरेशन में। और उसके लिए तरीका यह है कि आपको पहले से प्लानिंग करनी है, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आपके 20 दिन खराब होने वाले हैं जब सेमेस्टर के एग्जाम चलेंगे, तो आपको उसको कंपनसेट करने के लिए अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा एक्सलरेट मोड में आपको अभी से रखना होगा। और एक चीज और, वो भी 20 दिन पूरी खाली नहीं होती है, उसमें भी आप कुछ कुछ टाइम यूज कर सकते हो रिवाइज करने के लिए, कुछ क्वेश्चंस लगाने के लिए, मोस्टली रिवाइज करने के लिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि बिल्कुल 20 दिन तक खाली हो जाए तो बच्चा थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो आपको उस टाइम थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कम पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, पर हाँ छोड़ना नहीं है। और सर ये भी है ना कि हम ग्रेजुएशन को बीबीए तो कर नहीं रहे, बिल्कुल कर तो इंजीनियरिंग ही रहे, एग्जाम वही है, सब्जेक्ट वही है जो गेट में आने वाले। और देखो आपको गाइड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो आप सेमेस्टर की टेंशन ले रहे हैं वो भी हम निकाल चुके। ओके दोस्तों, तो आप अब वीडियो बंद कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।